गाइस YouTube पर वीडियो डालने का सही तरीका क्या है, क्या वीडियो डालने के तरीका से वीडियो की रैंकिंग में भी इफेक्ट आ सकता है। छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं। यहां पर आप एक वीडियो देख पा रहे होंगे जो वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाया था जिसमें आपको सिखाया था कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं। ये वीडियो देखिए, मैंने ऊपर सर्च किया है क्रिएट यूट्यूब चैनल सर्च किया है। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कि मेरी वीडियो 3 नंबर या कभी काल 4 नंबर पर शो हो रही है, लेकिन फर्स्ट पेज पर शो हो रही है। आप नोट किए होंगे जब आप वीडियो डालते हैं तो आपका वीडियो फर्स्ट पेज पर शो ही नहीं होता है। तो ये कुछ अनोखे बातें होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसके कारण से वीडियो फर्स्ट पेज पर शो होते हैं। अब देखिए यहां पर बहुत सारे आपको टैग दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये चीज जो आपको दिखाई दे रहा है इसको टैग बोलते हैं। ये टैग के बगल में आपको एक नंबरिंग नंबर भी दिखाई दे रहा होगा जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा। ये वो टैग को डिनोट कर रहा है कि इस टैग से कोई अगर सर्च करेगा यूट्यूब पर लिखकर तो ये आपका वीडियो उसमें कितने नंबर पर शो किया जाएगा। जैसे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं उस टैग से अगर कोई सर्च करेगा यूट्यूब पर तो उतने नंबर वो वीडियो फर्स्ट पेज पर शो करेगा। जी हां दोस्तों, फर्स्ट पेज पर शो करेगा। तब कोई भी अगर सर्च करके आता है तो फर्स्ट पेज पर का ये वीडियो देखता है, सेकंड थर्ड पेज पर का कोई जाता नहीं। तो अगर आपके वीडियो फर्स्ट पेज पर आएंगे ही नहीं तो कोई देखेगा कैसे आपके वीडियो को। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसको आप इंप्लीमेंट करके अपने वीडियो को फर्स्ट पेज पर ला सकते हो, फर्स्ट पेज पर शो करवा सकते हो। ये वीडियो अपलोड करने का तरीका से डिपेंड करता है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं इस पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट पेज पर ये वीडियो आपकी जाएगी या फिर फर्स्ट पेज पर नहीं जाएगी। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि वीडियो अपलोड करने का जो सही तरीका है उसको, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन हम इसके अगले वाले सेशन में कवर करेंगे क्योंकि ये मिलाकर बहुत बड़ी एक क्लास बन रही है। तो इस एक वीडियो में कवर करना आसान नहीं है, तो इसलिए हमने 2 वीडियो में इसको भागा है, बांट दिया है। फर्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट अपलोड करना सिखाएंगे, सेकंड वीडियो में टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे बेस्ट लिख सकते हैं इसके बारे में कवर करेंगे। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि जो लोग नए हमारे चैनल पर आए हैं, हम यहां पर एक कंप्लीट 30 दिन का यूट्यूब का क्लास शुरू किए हैं जहां पर आप 30 दिन का क्लास करके यूट्यूब से सिर्फ 30 दिनों में पैसे कमा सकते हैं। एडवांस लेवल की चीजों को हमने इसमें कवर किया है। आप 30 दिन इस चीजों को इंप्लीमेंट करो अपने वीडियो में। अगर बाई चांस आपकी रैंकिंग नहीं होती है, ऐसे तो कोई चांस नहीं बनता है कि इन चीजों को आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी वीडियो रैंक नहीं होगी। नहीं भी रैंकिंग होती है तो हमारे चैनल के थ्रू आपके हर एक वीडियो को प्रमोट किया जाएगा हमारे चैनल के थ्रू फ्री में, बिल्कुल फ्री में, जब आप क्लास ये कंप्लीट करोगे। ऐसे आप हर चीजों को, हमारी पॉइंट्स को कवर करोगे अपने वीडियोस के अंदर तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी कि आपको अपने वीडियो में हमसे प्रमोट करवाना पड़े। आपकी वीडियो में ये सब चीजें इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी वीडियो खुद रैंक हो जाएगी, खुद प्रमोट हो जाएगी, यूट्यूब खुद प्रमोट कर देगा। फिर भी अगर आपकी वीडियो नहीं चली हुई है तो हमारे चैनल के द्वारा उसको प्रमोट किया जाएगा अगर आपने सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया होगा, सारे क्लास अटेंड किए होंगे। तो इसके लिए आप बेसिकली पूरा ये वाला वीडियो जो है पूरा जाकर देख सकते हो, क्लास कब से ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, ये वाला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। गाइस आज जो हम बेसिकली जो भी चीजें बताएंगे वो मैं अपने लैपटॉप में बताऊंगा क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि मेरी जो ऑडियंस है वो लैपटॉप से ज्यादा है या फिर मोबाइल से ज्यादा है। तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है या मोबाइल अवेलेबल है। अगर मोबाइल भी अवेलेबल है तो मैं आज जो चीजें लैपटॉप में बताऊंगा वो सारी चीज आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो। आपको क्रोम खोलना है, बेसिकली क्रोम खोलने के बाद ऊपर की साइड में जो 3 डॉट्स दिखाई देते हैं उस पर क्लिक करके, 3 डॉट्स पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप मोड में क्रोम को कर लेना। उसके बाद जो भी चीज लैपटॉप हम करेंगे आप मोबाइल पर कर सकते हो, उसको फॉलो कर चलो। और नीचे कमेंट में बताओ अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आगे की जो भी ट्यूटोरियल्स होगी मैं मोबाइल से ही बताऊंगा, मोबाइल से ही समझाऊंगा जिससे आपको आसानी होगी। तो आप नीचे बताओ कि आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है। गाइस वीडियो अपलोड करने से पहले मैं आपको 2 बार पूरी तरह क्लियर कर दूं कि अगर आप YouTube के एप्लीकेशन से वीडियो अपलोड करते हो तो ये बहुत कम हद तक चांसेस होते हैं कि आपके वीडियो रैंक में जाएंगे। क्योंकि आपको बताया था ना कि YouTube एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो आप वहां से जब वीडियो अपलोड करोगे तो आप वीडियो को कमर्शियली यूज नहीं कर रहे हो, आप एक जस्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग में YouTube को ले रहे हो। तो आपको अगर वीडियो रैंक करवाना है तो आपको वीडियो को डेस्कटॉप मोड पर जाकर ही अपलोड करने हैं। ऐसे भी देखा गया है बहुत सारे फीचर जो होते हैं वो डेस्कटॉप मोड में ही दिए गए हैं, वहां पर एप्लीकेशन के अंदर नहीं दिए गए। तो आपको वीडियो रैंक करवाना है तो आपको डेस्कटॉप मोड से वीडियो अपलोड करने हैं, YouTube के एप्लीकेशन से आपको कभी वीडियो अपलोड नहीं करने हैं। सेकंड पॉइंट, अगर आपको वीडियो अपलोडिंग करते टाइम इंटरनेट स्पीड की कोई दिक्कत आ रही है तो अगर आप जियो का सिम यूज कर रहे हैं तो मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगा जो आपके बहुत काम में आएगा। इवन मेरी भी सारी वीडियो इसी टिप्स को यूज करके अपलोड की जाती है। जब आप वीडियो अपलोड करते टाइम किसी को कॉल कर देते हो, जी हाँ दोस्तों, किसी को भी कॉल कर दोगे वो कॉल रिसीव हो जाना चाहिए, उसके बाद जो आपकी अपलोडिंग स्पीड होती है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। इवन मेरी भी सारी वीडियो इसी ट्रिक्स को यूज करके अपलोड की जाती है।
जाती है, मेरे पास 5 से 6 MB पर सेकेंड अपलोडिंग स्पीड आ जाती है इस ट्रिक को उपयोग में लेकर। आप भी इसको उपयोग में लो और ये काम कर रही है कि नहीं आपके पास जरूर कमेंट में बताना। तो गाइस वीडियो अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। आप मोबाइल में ये चीज़ों को खोल लीजिएगा डेस्कटॉप करके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं youtube.com लिखकर मैंने सर्च कर लिया। उसके बाद आपने जो भी ईमेल आईडी साइन इन की होगी, जिस पर भी चैनल बनाया होगा उससे लॉगिन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया जिस पर मैंने चैनल बनाया था आपको दिखाने के लिए, जो यूट्यूब चैनल बनाया था इसी पर बनाया था, तो मैंने इसको खोल लिया है। अभी मैं एक सिंपल आपको दिखाने के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, मतलब मेरे पास ओरिजिनल वीडियो है नहीं, मतलब जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं एक ऐसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करके आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो प्लस का आइकन बन रहा है वहाँ पर क्लिक करके आपको अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड वीडियो पर क्लिक करिएगा, इंटरनेट के आपके स्पीड के मुताबिक ये पेज खुलने लगेगा। नया पेज जब खुलेगा तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर वीडियो अपलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। मोबाइल में भी आपको यहाँ पर सेम चीज़ें आएंगे, सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ से हम फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो एक बार ध्यान रखना है कि जो भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हो उसके टाइटल जो होते हैं वो आपके पास पहले से रेडी होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी पहले से रेडी हो जाना चाहिए और टैग भी पहले से रेडी होने चाहिए। जब वीडियो अपलोड करें उससे पहले रेडी ये सब होने चाहिए। ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में भी कवर करेंगे कि आपको ये सब कहाँ से निकालने हैं, कैसे बेस्ट से बेस्ट निकालने हैं। बस आपको अभी वीडियो अपलोड करने का नॉलेज दे रहे हैं कि वीडियो अपलोड करेंगे कैसे सही तरीके से, तो ये सब चीज़ें आपको रेडी रखने हैं। अगर आप मोबाइल में ये सब चीज़ कर रहे हैं तो आप कहाँ पर लिख कर रख सकते हैं, तो आप किसी के व्हाट्सअप पर जाकर सेंड कर वहाँ पर लिख कर रख सकते हैं, वहाँ से कॉपी करके इजीली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो अपने व्हाट्सअप अकाउंट में भी ये सब चीज़ों को लिख कर रख सकते हैं। तो देखिए अब सिंपल से जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका सबसे पहले वीडियो का रॉ फाइल है जो अपलोड कर रहे हैं उसी में इसका जो टाइटल है ना, जो टाइटल है उसको चेंज कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम देखिए मुझे ये जो फाइल अपलोड करना है उसका मैं टाइटल पहले से ही चेंज करके रखा हूँ, तो आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर कहाँ पर है वो फाइल। तो ये देख पा रहे हैं हमारे फाइल यहाँ पर है, जैसे मैंने पहले से इसी फाइल का जो ओरिजिनल नेम होता है उस नेम से टाइटल को रिप्लेस कर दिया है, ताकि जब मैं इस पर क्लिक करके ओपन करूँ तो मैं यहाँ से भी ओपन कर लेता हूँ क्लिक कर, ऐसे ओपन आप भी कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ जो टाइटल है पहले से ही आ गया, मुझे यही टाइटल रख के यूट्यूब पर अपलोड करना है, तो मैं पहले से ही इस टाइटल को जो था ओरिजिनल वीडियो में ही चेंज कर दिया हूँ रीनेम करके। आपको भी यही चीज़ करना है, पहले से ही रीनेम कर देना है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर फाइल नेम शो होता है, जब आप ओरिजिनल वीडियो का फाइल नेम जो होता है ना यहाँ पर शो हो जाता है, बाद में यहाँ पर आप जो भी बदलो तो ये ओरिजिनल नेम वाला फाइल नेम नहीं चेंज हो पाता है। तो आपको जो भी फाइल टाइटल रखने हैं वो पहले से ही अपने वीडियो को चेंज कर देने, ये रैंकिंग में देखा गया कि काफ़ी इफेक्ट डालता है। यकीन मानो ये जो टिप्स है ना जो ये मैंने बताया अभी टाइटल वाला, जो ये मैंने 5000 की कोर्स SEO की ज्वाइन की थी उसमें हमें सिखाया गया था कि हाँ टाइटल को आपको पहले से ही चेंज कर देने हैं रो डाटा में, जो 5000 की कोर्सेज थी उसमें मुझे ये एक छोटी सी टिक्स बताई गई थी। तो ये मैं अभी आपको फ्री में शेयर कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन उसके सब आपको रेडी रखने हैं। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ये सब चीज़ अपने व्हाट्सअप पर किसी के पास सेंड करके रेडी रखिए। तो मैं यहाँ से भी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर मैं यहाँ पर जाकर अपनी वीडियो में पेस्ट कर देता हूँ। आपको सारे चीज़ों ऐसे ही करना है, ये सारे चीज़ आपको पहले से रेडी होने चाहिए, बाद में नहीं रेडी होने चाहिए। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर सोशल मीडिया के लिंक्स विंक्स वगैरह वगैरह दे सकते हैं, जो चीज़ें मैं आगे की वीडियो में कवर करूँगा जो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन वाला होगा उसमें। अब यहाँ से अपनी जो भी है वहाँ से थंबनेल इसमें से अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप कोई थंबनेल अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जब तक आप चैनल वेरीफाई नहीं कीजिएगा आपको थंबनेल अपलोड करने का जो कस्टम थंबनेल होता है वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैंने ये वाला चैनल अभी जस्ट आपको सिखाने के लिए बनाया है, तो चैनल वेरीफाइड किया है। तो यहाँ पर अगर चैनल वेरीफाइड आता तो अपलोड थंबनेल का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके आप थंबनेल को अपलोड कर सकते थे। चलिए उसके बाद नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि ये वीडियो आपने बच्चों के लिए बनाया है या नहीं बनाया। तो नो, मैंने बच्चों के लिए नहीं बनाया है, डिफॉल्ट जो होता है ये किसी पर टिक नहीं होता है, लेकिन आपको टिक करना है कि नो मैंने बच्चों पर नहीं बनाया। अगर आप कार्टून वाले किसी टॉपिक पर काम कर रहे हैं तो बच्चों के लिए कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। उसके बाद आपको मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है, मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो टैग वाला सेक्शन है उसको फिल करना है। तो मैं टैग यहाँ पर रेडी रखा हूँ, कम से कम आपको 10 टैग लिखने ही हैं, 10 से ज़्यादा भी नहीं लिखने हैं। तो मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कोमा कोमा कर आप लिख सकते हैं, सेपरेट सेपरेट कर कोमा कोमा लिखने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा अपने टैग वाले सेक्शन में और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ये सिंपल सा मैंने एक आपको समझाने के लिए वीडियो अपलोड किया हूँ। जस्ट मान लीजिए आप मैंने ये हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट का वीडियो बनाया है, तो मैं उससे रिलेटेड टैग लिख दिया हूँ, टाइटल भी लिख दिया हूँ कि हाँ हाउ टू क्रिएट ए जीमेल अकाउंट, और ये मैंने उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया हूँ कि दोस्तों मैं इसमें जीमेल अकाउंट और आईडी बनाने के लिए इजीली तरीका सिखाऊंगा, उसके रिलेटेड मैंने टैग भी यहाँ पर डाल दिए हैं। ये सब चीज़ पहले से रेडी रखिएगा, कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा, इसमें आसानी भी होती है। और ये फाइल नेम तो सबसे पहले जाकर आपको
ओरिजिनल फाइल पर ही रीनेम कर लीजिएगा। ये बहुत ही SEO का बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है। इस ट्रिक्स को सीखने के लिए बहुत से लोग बड़े बड़े कोर्स में ही ज्वाइन करते हैं, तो इस चीज़ को मैं अभी फ्री में आपको बता रहा हूँ। तो आप ये सब चीज़ें कर आप यहाँ से आगे बढ़ा सकते हो। अब आगे की जो भी चीज़ें आपको छेड़खानी नहीं करनी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कैटेगरी वाले चीज़ों में, अगर आप किसी और कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो डालते हो, एंटरटेनमेंट कॉमेडी, तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पीपल्स एंड ब्लॉग यहाँ पर टिक है, तो अभी मैं इसको एडुकेशन कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो ओके, मैं इसको अभी नेक्स्ट करता हूँ। तो आपसे यहाँ पूछे जाएंगे एंड स्क्रीन सेट करने के लिए, जो वीडियो के लास्ट में शो होते हैं ना, उसको एंड स्क्रीन बोलते हैं। ये मैं आगे की चीज़ टॉपिक में कवर करूँगा, और कार्ड भी सेट कर सकते हैं। ये चीज़ें भी मैं आगे के टॉपिक में कवर करूँगा, एक ही टॉपिक में दोनों चीज़ कवर करूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि अभी सेव कर ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा, मतलब अभी इंस्टेंट पब्लिश हो जाएगा, पब्लिक भी हो जाएगा अभी इंस्टेंट, प्राइवेट में नहीं रहेगा। अगर अनलिस्टेड करना चाहते हो तो अनलिस्टेड कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, या फिर बाद में वीडियो अपलोड करना है तो शेड्यूल कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें जो होती है मैं विस्तार से आगे की वीडियो में बताऊंगा कि ये होती क्या है। अभी जस्ट मैं आपको वीडियो अपलोड करने के लिए बता रहा हूं। तो वीडियो अपलोड करने के लिए अब यहां पर मैं सेव एंड पब्लिश मैं टिक कर यहां पर पब्लिक सी ओ एवरी वन टिक कर दूंगा, और उसके बाद मैं यहां पर पब्लिश जैसे ही करूंगा वो वीडियो हमारा पब्लिश हो जाएगा। तो मैं अभी देखिए यहां पर पब्लिश पर क्लिक कर रहा हूं। अब जैसे ही मैंने पब्लिश पर क्लिक किया, ये देखिए मस्ट भी आपको जो टाइटल था ना दोस्तों, वो पहले ओरिजिनल फाइल से जरूर चेंज कर दीजिएगा, बहुत इफेक्ट डालता है। अब देखिए यहाँ पर जो वीडियो का जो लिंक है यहाँ पर मेरा जनरेट हो गया है, मैं चाहूँ तो इसको कॉपी कर सकता हूँ या फिर यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। सेम चीज़ें आपको मोबाइल में भी आएगा। अब देखिए वीडियो अपलोड हो गया है फाइनली, और ये पब्लिक भी हो गया। अब लोग इसे यहाँ पर प्ले कर देख सकते हैं कि हाँ ये वीडियो अब चलेगी। अब देखो मैंने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन डाला था, उसके मुताबिक ये वीडियो सर्च में आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो देखे जाएंगे, या फिर और भी तरीके होते हैं वीडियो में व्यूज लाने के। तो ये सही तरीका हुआ वीडियो अपलोड करने का। तो गाइस ये होता है सही तरीका वीडियो अपलोड करने का, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका ये होता है। तो इस तरीके से आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हो। आगे के टॉपिक में हम आगे के सेशन में सीखेंगे कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, बेस्ट से बेस्ट कैसे लिखेंगे। उसके आगे के सेशन में हम सीखेंगे कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से ला सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और लोग द्वारा इसे सर्च भी किया जा रहा हो।